अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सांसद विंध्य के गौरव देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, रीवा महापौर अजय मिश्रा, व्यापारियों द्वारा कैट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला रीवा के बैनर तले सिंधु भवन में आयोजित व्यापारी की बैठक में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, वरिष्ठ समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी सुनील सिंह, एसोसिएशन अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा, के गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश थारवानी ने किया तथा अतिथियों का स्वागत हरमीत सिंह बीरू, देश के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता, पीड़ित मानवता के सेवा के लिए संकल्पित तन्खा साहब का रीवा से गहरा नाता है। ऐसे विभूतियों का स्वागत व सम्मान करते हुए जिले के व्यापारियों व कैट अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि रीवा में जन्म लिया, कर्म भूमि जबलपुर, फिर भी जो रीवा की संस्कृति में सीखने व सेवा करने का सुख प्राप्त होता है वह अविस्मरणीय है। इस मिट्टी में आने से पुरानी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस देश में टैक्स की बढ़ोतरी होती है उस देश का व्यापार व विकास दोनों अवरुद्ध होता है। सरकारी चिंतन क्यों नहीं करती, यह गंभीर विषय है। जितना कम टैक्स होगा उतने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश विकास की ओर आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा विरोधी मैं सरकार के डराने और धमकाने की नीति का हूँ। वहीं डॉक्टर युगल किशोर ने कहा कि अपनों के बीच आकर मुझे अत्यंत खुशी होती है। मैं व्यापारी जरूर नहीं हूँ, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़कर मणिपाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते व्यापारी संघ का अंग जरूर बन गया। आज देश का व्यापारी जिन समस्याओं से गुजर रहा है और गंभीर चिंतन का विषय है। व्यापार यदि खत्म हुआ तो देश का अस्तित्व शून्य हो जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी अपना उद्बोधन व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद तन्खा व डॉक्टर युगल किशोर का स्वागत किया। व्यापारियों की समस्याओं की ओर सांसद राज्यसभाओं का ध्यान आकृष्ट कराया। कार्यक्रम में अतिथियों का आभार कैट के जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह लक्की ने व्यक्त किया। इस दौरान शहर के काफी संख्या में प्रबुद्ध व्यापारी व समाज सेवी उपस्थित रहे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री विवेक तन्खा जी, बड़े भाई श्री बाबा भैया, श्री प्रहलाद सिंह जी, श्री सुनील सिंह जी, के भैया, प्रशांत जैन जी, कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छा लगेगा कि मैं उस बात पे विश्वास रखता हूं। दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच टैक्सेस द लीस्ट, वो सरकार बेस्ट होती है जो सबसे कम टैक्स लगाती है, इस पे मैं विश्वास करता हूं। जब 90% टैक्स था तो 10% कंप्लायंस था, जब 30% टैक्स है तो 70% कंप्लायंस है। आप टैक्स को 20% कर दो, 10% 15% कर दो, कंप्लायंस होती 100%। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये आज तक समझ नहीं आया कि सरकारें समझती क्यों नहीं है। देखिए, टैक्स इज अ हार्ड अर्न मनी। मुझे तो मैं कहते हुए ब्यूरोक्रेसी से कहता हूं, आप किस जिस तरह से अपने एसएससीज को ट्रीट करते हो तो मुझे अफसोस होता है। आपसे जो एसएससी है वो तो आपके एक प्रकार से भगवान है, उसके दम पे तो आप लोग बैठे हो। और जो टैक्स का जो टेररिज्म है, जो टैक्स अथॉरिटी का जो टेररिज्म है, उसका मैं बहुत बड़ा विरोध हूं। मुझे आज याद है फाइनेंस बिल का डिस्कशन चल रहा था पार्लियामेंट में। कई बार फाइनेंस बिल के डिस्कशन में मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से फील किया जाता है, और अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। अरुण जेटली जी मेरे कॉलेज में सीनियर थे और हम लोग अच्छे मित्र भी थे। जब भी वो जबलपुर आते थे तो मेरे घर में कहते थे, तो मैंने अरुण जेटली जी से यह बोला कि जेटली साहब, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुझे ये बताइए, आप हर टैक्स में अमेंडमेंट ला रहे हो और हर वायलेशन के लिए आप हर आदमी को जेल भेजना चाहते हो,
तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष जेल में रहे? एक्चुअली मैंने बोला ये, आप मेरे स्पीचेस देख सकते हैं पार्लियामेंट में। मैंने कहा देखिए व्यापारी परेशान है, मैंने कहा आप जीएसटी लेके आए, जीएसटी तो आनी चाहिए, बट उसमें जीएसटी लाने में बुराई नहीं थी और जीएसटी तो आनी थी, बट जिस प्रकार से आप जीएसटी लाए हो एकदम से प्रॉब्लम उसकी है। अमेरिका में जब जीएसटी आई थी मैंने उनको एग्जाम्पल बताया, जीएसटी के मारे वो जो ग्लिचेस आए, जो मिस्टेक्स आई, कंप्यूटराइज मिस्टेक्स, वो इतनी लार्ज क्वांटिटी की थी, इतनी संख्या उनकी इतनी बड़ी थी कि अमेरिका को अल्टीमेटली जीएसटी को डाइल्यूट करना पड़ा। प्रॉब्लम जीएसटी की ये नहीं है कि आप जीएसटी बुरी है, कोई व्यवस्था बुरी नहीं होती, व्यवस्था को कैसे आप सुचारू रूप से चलाओ वो इंपॉर्टेंट है। आप का काम होता है कि हमको जो जो डेबिट क्रेडिट का काम होता है, अगर आप डेबिट क्रेडिट को ठीक से एंटर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। हम तो कितने बार कोर्ट में जाके लोगों को बताते हैं कि सर हमारा तो क्रेडिट ही नहीं हुआ, अब आप क्रेडिट नहीं हुआ तो आप हमको कहते हो फिर से टैक्स दो। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं जीएसटी में, जिसको लेके सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार भी सोचती है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, बट जहां भी जीएसटी है वहां ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पर और चर्चा होनी पड़ेगी और जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को बहुत सारे और स्टेप लेने पड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को एक डिस्कशन में बोला, मैंने कहा निर्मला जी आपके पास, आप इंडिया के फॉरेन रिजर्व गिर रहे हैं। मैंने कहा क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि लोग बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। आपने 250,000 डॉलर्स हर आदमी को परमिट किया है हर साल ले जाने के लिए, कोई भी आदमी 2,50,000 डॉलर्स बाहर ले जा सकता है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्योंकि लोग आपकी पॉलिसी से डर गए हैं, तो लोग वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैसा वो बाहर जा रहा है, एनआरआई लोग एनआरआई बन रहे हैं। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि हमारे लोग हमसे डर के क्यों भाग रहे हैं। नंबर टू, मैंने कहा आपने पूरे मिडिल ईस्ट में, आपके पास जो इंडियन बैंक हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया है कि ओपन अकाउंट्स। तो होता क्या है, जो सिस्टम है मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, कि आप अगर पैसा इंडिया भेजना चाहते हो तो आपको फॉरेन बैंक के थ्रू भेजना पड़ता है, और जब वो फॉरेन बैंक के थ्रू आप भेजते हो इट कम्स एज इंडियन रुपीज। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिसी चेंज कर दो और इंडियन बैंक को अकाउंट, इंडियन का अकाउंट खोलने का अधिकार दे दीजिए पूरे वेस्ट एशिया में, आपको $30 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। उन्होंने गंभीरता से सुना और बोला कि कंथा जी की बातें बहुत सीरियस हैं, मैं एकदम से जवाब नहीं दे सकती, मैं इस बात को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करूंगी, और यह भी रिसेंट लास्ट पार्लियामेंट की बात है। तो मैं कई गंभीर विषयों को ऐसे लेता रहता हूं और बार बार सरकारों को सचेत करता हूं कि देखिए ये देश खाली पॉलिटिशियंस का देश नहीं है, खाली किसानों का देश नहीं है, ये देश बिजनेसमैन का भी देश है, व्यापारियों का भी देश है, और हमको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे ये आम जनता जीएसटी के मार झेल रही है। और अभी आपने मंच से बोला नया भारत का निर्माण होगा, कैसे होगा? हम तो चाहते हैं कि जीएसटी को एक नए रूप में लाए जिससे लोग की परेशानी बंद हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किए जाएं, और जब तक कि व्यापारियों की और लोगों की डिफिकल्टीज को आप सॉल्व नहीं करोगे तो कब तक डर के बैठा रहेगा आदमी, कब तक ये रेड राज चलाओगे? क्या देश रेड से राज से चलने वाला है? रेड कानून से चलता है, और आपको SSC आपका दोस्त है, वो आपको एक प्रकार से आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, वो आपको पैसा दे रहा है देश को। तो जो SSC की जो दुर्दशा हो रही है मैं उसका विरोध करता हूँ। सरकार से आम आदमी डरा हुआ है, इस पर क्या कहना है? नहीं नहीं भाई, तो मैं वकील हूँ, मैं तो कानून का रक्षक हूँ, रखवाला हूँ,
इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो लोग भी कानून का उल्लंघन करते हैं और जो कानून का मिसयूज करते हैं, मैं उनका विरोध। किस तरह का नया भारत बनाएंगे? नया भारत कानून का भारत। और राज्यसभा सदस्य आदरणीय विवेक तन्खा जी का कैट द्वारा और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नागरिक सम्मान के रूप में सम्मान किया गया उनका, और अपने डॉक्टर वाई के मिश्रा साहब का सम्मान किया गया, और अपने रीवा के नवनिर्वाचित महापौर आदरणी अजय मिश्र बाबा जी का स्वागत किया गया, और उसमें काफ़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध वर्ग और व्यापारी वर्ग थे, और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और उसका बड़े गंभीरता से उस पर चर्चा। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया। और जैसा कि मैं आपको जानकारी दूं, कल 1 अक्टूबर को शनिवार को सिंधु भवन में 11 बजे से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हार्ट चेकअप का और बाकी भी जो भी चेकअप हैं वो होंगे, जो निःशुल्क होंगे। हम रीवा नगर वासियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएँ, और जो भी इसमें समस्या है किसी को तो उसका उसको रिपोर्ट सजेशन दी जाएगी और उसी से सब उसका ट्रीटमेंट होगा।